हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल कंटिन्यू द चैप्टर डिटरमिनेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स। दिस इज पार्ट 5। इन दिस वीडियो लेसन वी शैल कंटिन्यू द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। सम प्रॉपर्टीज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो लेसन। टुडे वी शैल लर्न सम न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी 4 है उसी से शुरू करते हैं जो हमने पहले पिछले वीडियो में पढ़ी थी। If each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। इसको जो है दूसरे तरीके से हम यदि समझें तो इसका क्या मतलब है, यह हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि वो जो दूसरा फॉर्मेट है वो हमारे काम आने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है और उसकी जो फर्स्ट रो है वो k से मल्टीप्लाइड है, जैसे ये है k a1, k a2 है और फिर k a3 है, और इधर जो है ये है k, ये k नहीं है, यहाँ पर जो है सिचुएशंस, ये हमारे पास दूसरी जो रो है वो तो b1, b2, b3 है और जो थर्ड है वो है c1, c2, c3। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो वास्तव में कहना क्या चाह रही है, ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि यदि मान लीजिए मैं फर्स्ट रो जो है, यहाँ पर फर्स्ट रो में हो क्या रहा है, जो फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है वो k से मल्टीप्लाइड है, और यदि यदि मैं एक अलग से डिटरमिनेंट बनाता हूँ जिसमें वो k से मल्टीप्लाइड नहीं है, जैसे b1, b2, b3 और c1, c2, c3, तो एक डिटरमिनेंट हमारे पास ये वाली है और दूसरी डिटरमिनेंट हमारे पास ये वाली है। अब इन दोनों डिटरमिनेंट्स में से ये जो डिटरमिनेंट है इसमें फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है वो के से मल्टीप्लाइड है, तो डेफिनेटली इस पूरे एंटायर डिटरमिनेंट की वैल्यू के टाइम्स होगी इस डिटरमिनेंट से, तो मैं यहाँ के लिख सकता हूँ। अब इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हम क्या करेंगे, कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यदि इसमें किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम में से कोई एलिमेंट बाहर निकल रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है यहाँ पर जो फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट जो रो है इसमें हमारे पास एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है और तीसरा एलिमेंट ये है। अब इन तीनों एलिमेंट्स में से k हम बाहर ले सकते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये अलाउ करती है कि हम किसी भी रो या कॉलम में यदि कोई कॉमन मिल रहा है तो उस कॉमन को हम बाहर ले सकते हैं ताकि उसकी वैल्यू हम आसानी से और जल्दी फाइंड आउट कर सकें। तो इसका फ़ायदा ये है कि यदि कोई बड़े बड़े नंबर है तो हम जो है उसमें से कुछ कॉमन आ रहा है किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में से, तो हम उसे कॉमन ले सकते हैं बाहर और वैल्यू फाइंड आउट करना आसान होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट है और वो ये है 102 18, देन 36। सिमिलरली यहाँ है 134 और यहाँ पर है 17 3 और 6, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट रो है उसमें 102 है, 18 है और 36 है, इसमें से हम चाहें तो 18 कॉमन ले सकते हैं। तो यदि मैं इसमें से 18 कॉमन ले लेता हूँ, इस डिटरमिनेंट से अगर मैं फर्स्ट रो में से 18 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बच रहा है 6, 18 यहाँ 18 कॉमन नहीं आ पा रहा क्योंकि यहाँ जो है ये 102 है और यहाँ 18 है और यहाँ पर 36 है, तो यहाँ हम देखें तो ये जो है इसमें से 6 जो है ये भी इसमें भी ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें से हम 6 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ मैं अगर 6 कॉमन ले लेता हूँ तो ये जो 102 है व्हेन डिवाइडेड बाय 6 वी विल गेट 17, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये 17 हो गया, और जब 18 डिवाइडेड बाय 6 वी विल गेट 3, और इसी तरह 36 व्हेन डिवाइडेड बाय 6 तो वी विल गेट 6, तो यहाँ हो रहा है 17 और हो रहा है फिर 6 लेने पर 3 और 6 जा 36, इसी तरह से यहाँ 134 और यहाँ हो रहा है 17 3 और 6, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ जो फर्स्ट
जो रो है और जो थर्ड रो है ये दोनों आइडेंटिकल हो गई। तो दोनों रो जब आइडेंटिकल हो गई तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ दिस होल डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज को काम में लेकर हमने इसकी वैल्यू जो है डायरेक्ट फाइंड आउट कर ली विदाउट एनी एक्सपेंशन। तो ये फायदा रहता है। तो इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि यदि कोई पर्टिकुलर रो किसी दूसरी रो के प्रोपोर्शन में है, जैसे ये 17 है, इस 17 के प्रोपोर्शन में दिख रहा है, यहाँ जो वैल्यू है वो इस 17 के प्रोपोर्शन में है, 17 3 और 6 जो है वो इसके प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, 17 6 जा 102, 3 6 जा 18, 6 6 जा 36। तो इफ एनी रो और कॉलम, इफ एनी रो इज प्रोपोर्शनल टू अनदर रो ऑफ द डिटर्मिनेंट देन दी एंटायर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो। ये भी हम समझ सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी फोर के ये भी फायदे हैं। तो प्रॉपर्टी फोर को हमें इस रूप में लेना है कि इसमें इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे। इसको यूटिलाइज करने का तरीका है कि किसी भी रो या कॉलम में से हम अगर कोई कॉमन मिल रहा है तो हम उसे ले सकते हैं, लेकिन जब हम कॉमन लेंगे तो किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में से ही लेना है। मैट्रिक्स के केस में जब हम कॉमन लेते हैं तो सभी जो अंदर एंट्री होती है पूरी 9 एंट्रीज में से वो कॉमन निकलता है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स के केस में किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में से ही उस कॉमन को हमें लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो प्रॉपर्टी फोर थी जो हम पहले पढ़ चुके थे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसके बारे में हमने सीखी। अब प्रॉपर्टी फाइव की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, और सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यही काम आती है जब हम यूजिंग प्रॉपर्टीज किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर, दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली विल बी यूज टू डिराइव दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, एक्चुअली प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, एंड दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल, प्रॉपर्टी सिक्स। तो इसलिए प्रॉपर्टी फाइव इसलिए काम की है, और प्रॉपर्टी सिक्स जो है वो काम में आएगी हमारे पास, ज़्यादा काम में प्रॉपर्टी सिक्स आएगी, लेकिन प्रॉपर्टी फाइव बेसिक प्रॉपर्टी है ताकि हम इसकी मदद से प्रॉपर्टी सिक्स को प्रूव कर सकें। तो इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम और सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इतनी लंबी प्रॉपर्टी, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाहती है। तो इसको जो है मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है और उसकी जो फर्स्ट रो है उसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर देता हूँ, ए वन प्लस लेमडा वन, ए टू प्लस लेमडा टू और ए थ्री प्लस लेमडा थ्री, इस तरह से लिख देता हूँ। और जो सेकेंड और थर्ड रो है वो एज इट इज़ है, बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री। लेकिन इसमें जो फर्स्ट रो है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने स्प्लिट कर दिया है दो में। तो अब ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि इसको मैं ऐसे अलग अलग दो डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में लिख सकता हूँ, यानी एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स लिख दूंगा, जिसमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखेंगे कि इसके जो ये एलिमेंट है ए वन ए टू ए थ्री, ये हम पहले लिख देंगे ए वन ए टू ए थ्री, और ये तो बी वन बी टू बी थ्री अपनी जगह है, और ये जो सी वन सी टू सी थ्री भी अपनी जगह है, और जो दूसरी जो डिटर्मिनेंट है उसमें ये जो सेकेंड एलिमेंट्स है लेमड़ा वन लेमड़ा टू लेमड़ा थ्री, ये लिख देंगे लेमड़ा वन लेमड़ा टू लेमड़ा थ्री, और ये बी वन बी टू बी थ्री। तो इस तरह से किसी भी एक डिटर्मिनेंट की किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को यदि हम स्प्लिट कर देते हैं किन्हीं दो एलिमेंट्स के सम के रूप में, तो पूरी डिटर्मिनेंट को हम एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स लिख देते हैं, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो पहले में आ जाए, यानी कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये फर्स्ट एलिमेंट्स ए वन ए टू ए थ्री, ये तो हमारे पास यहाँ आ गए हैं, और जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं यहाँ पर ये जो लेमड़ा वन लेमड़ा टू लेमड़ा थ्री वो हमारे पास दूसरे में आ गए हैं। तो इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि यहाँ पर इसको हम तीन स्प्लिट कर देते हैं तीन नंबर में, तो इसको सक्सेसिव इसी प्रॉपर्टी को बार बार काम में लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, तो इसको प्रूव कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डेल हमें दे रखा है स्टार्टिंग में उसको हम एक्सपेंड कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, यानी एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, आर वन के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं जो भी डेल था उसको। तो इसमें जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में हमारे पास है ए वन प्लस लेमडा वन, तो ए वन प्लस लेमडा वन आएगा, ए वन प्लस लेमडा वन, और उसके बाद में जो है हमें ए वन प्लस लेमडा वन को एलिमिनेट करने के बाद जो बचता है उसको लिखना है। तो ए वन प्लस लेमडा वन को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास बचेगा बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री। तो ये हमारे पास आ रहा है बी टू बी थ्री और सी टू सी थ्री, और इसके बाद हम लिखेंगे माइनस ए टू प्लस लेमडा टू, और फिर ए टू प्लस लेमडा टू जिसमें भी है
ये ए टू प्लस लेमडा टू जिसमें भी था, यानी कि इस रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, उनको हटा देते हैं, बी वन बी थ्री सी वन सी थ्री। तो यहाँ हो जाएगा बी वन बी थ्री, बी वन बी थ्री और सी वन सी थ्री। सिमिलरली जो है थर्ड देखते हैं हम, तो वो है ए थ्री प्लस लेमडा थ्री, और इसमें जो है ए थ्री प्लस लेमडा थ्री को जब हम हटा देते हैं इसमें से, ए थ्री प्लस लेमडा थ्री जिस रो और कॉलम में है उसको रिमूव कर देते हैं, तो आता है बी वन बी टू सी वन सी टू। तो यहाँ लिख देते हैं बी वन बी टू, बी वन बी टू सी वन सी टू। अब इसको हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ए वन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ए वन टाइम्स ये जो भी है बी टू बी थ्री और सी टू सी थ्री। और इसी तरह से यहाँ माइनस ए टू टाइम्स लिख देते हैं बी वन बी थ्री सी वन सी थ्री। सिमिलरली यहाँ लिख देते हैं ए थ्री टाइम्स बी वन बी टू सी वन सी टू। तो ये तो हो गया, हमने केवल और केवल ए वन ए टू ए थ्री रख लिए। और उसके बाद में जो दूसरा बचा हुआ पार्ट है, यदि हम इसमें लिख देते हैं ये ए वन प्लस लेमडा वन था, तो अब लेमडा वन टाइम्स ये, फिर माइनस लेमडा टू टाइम्स ये और प्लस लेमडा थ्री टाइम्स ये। तो दूसरा जो स्टेप है उसमें आ जाएगा हमारे पास लेमडा वन टाइम्स यही बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री। और सिमिलरली यहाँ हो जाएगा माइनस लेमडा टू टाइम्स बी वन बी थ्री सी वन सी थ्री। फिर आ जाएगा लेमडा थ्री टाइम्स बी वन बी टू और सी वन सी टू। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो वैल्यू थी पहले वाली वैल्यू, डेफिनेटली दिस इज इक्वल टू डेल वन और दिस इज इक्वल टू डेल टू। ये देखिए आप यहाँ से, क्योंकि इसमें ए वन ए टू ए थ्री है, तो अगर इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करता हूँ तो ये वैल्यू यही आएगी जो यहाँ पर है। और जो सेकेंड डिटर्मिनेंट दिख रहा है यहाँ पर ये वाला, यदि इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करता हूँ तो वैल्यू ये आनी है। लेकिन जो फर्स्ट और सेकेंड डिटर्मिनेंट्स है ये वास्तव में डेल वन डेल टू है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको डेल वन प्लस डेल टू। तो यहाँ हमारा चल रहा था डेल, और डेल की वैल्यू क्या आ गई डेल वन प्लस डेल टू। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह से काम की है। अब इस प्रॉपर्टी को काम में लेके हम जो है कुछ वैल्यूज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है स्थिति इस तरह से है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक डिटर्मिनेंट है और वो इस तरह से है। ये ले लेता हूँ सपोज़, यहाँ ए है, यहाँ ए प्लस बी है, और यहाँ पर है ए प्लस बी प्लस सी है। और यहाँ पर जो है हम ले लेते हैं सपोज़, यहाँ ले लेते हैं ए और यहाँ बी सी और यहाँ ले लेते हैं माइनस ए और सपोज़ यहाँ ले लेते हैं हम इस जगह ले लेते हैं ज़ीरो और यहाँ ले लेते हैं बी और यहाँ ले लेते हैं बी प्लस सी, ये ले लेते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो अभी जो प्रॉपर्टी है उसकी मदद से हम कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो ए है उसको दो में लिख देते हैं, तो ए प्लस जीरो लिख देते हैं इसको, तो एक दो टर्म बन जाएगी यहाँ पर भी हमारे पास। और जो दूसरी वाली टर्म है तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो टर्म है इसको पहले ले लेंगे, फिर दूसरे वाले स्टेप में इसको ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हम इसको पहले ले लेंगे और दूसरी स्टेप में इसको ले लेंगे। और इसमें हम जो है पहले इसको ले लेंगे और दूसरे टर्म्स में हम इसको ले लेंगे। तो ये तो ए वन हो जाएगा, ये लेमडा वन, फिर ये ए टू और ये लेमडा टू, फिर ये ए थ्री और ये लेमडा थ्री। तो इस तरह से हम स्प्लिट कर लेते हैं। यानी हमारे पास जो सिचुएशन है वो सिचुएशंस क्या है यहाँ थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। यानी इस टर्म्स को और इस टर्म्स को लेंगे और इसके बाद में फिर जो है हम इस टर्म्स को और इस टर्म्स को ले लेंगे। और जो थर्ड वन है उसमें हम इस टर्म्स को और इन दो टर्म्स को ले लेंगे। तो ऐसे स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो चलिए अगर स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए वैल्यू निकालना आसान रहेगा क्या। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ले देता हूँ पहले तो ए और इधर ए और इधर ए, ए ए ए हो गया तीनों में, और इधर लिख दिया मैंने ए बी सी और इधर है ज़ीरो बी और बी प्लस सी, ये वाली वैल्यू आ रही है। और जो दूसरा जो डिटर्मिनेंट है उसमें क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे ज़ीरो और बी और यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी, ज़ीरो बी बी प्लस सी और यहाँ हो रहा है ए बी सी और यहाँ हो रहा है ज़ीरो बी और बी प्लस सी।
लेकिन जो लास्ट ये जो सेकंड डिटरमिनेंट है उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट रो और जो थर्ड रो है ये बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई। तो फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल होती है, इसकी वैल्यू तो हो गई जीरो। तो इसकी वैल्यू तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू तो हो गई जीरो, और इसकी वैल्यू हम एक्सपेंड करके कर सकते हैं। और एक्सपेंड भी हम जो ना फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें एक ऑलरेडी जीरो है। तो इसको यदि हम फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू हम आसानी से लिख पाएंगे। ये लिखिए, लिखते हैं ए टाइम्स यहाँ आ जाएगा बी इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी देन माइनस बी सी, और उसके बाद फिर माइनस ए, और ये माइनस ए चला गया, ये पूरा गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया ए बी प्लस ए सी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, और फिर आ रहा है यहाँ पर माइनस का ए बी, तो ये माइनस का ए बी, और ये वाला पार्ट अलग से जीरो है ही। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है। इसमें ये दो पार्ट कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसमें ये ए बी वाला पार्ट भी कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का साइन था, माइनस का साइन था यहाँ पर। अब इसको यदि हम फर्दर सोल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। तो इसने इस तरह से हम प्रॉपर्टीज को काम में लेकर किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 5 की एप्लीकेशन। अब हम आज की जो इम्पोर्टेंट लास्ट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और सबसे ज्यादा काम में यही आती है जैसा कि मैं बता रहा था। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट द इक्वाई मल्टीपल्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो आर एडेड देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स द सेम। यानी कि किसी भी एक रो में किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स का मल्टीपल यदि हम ऐड कर देते हैं, इक्वाई मल्टीपल्स ऐड कर देते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनअफेक्टेड रहती है। और इसको हम ये ऑपरेशंस के थ्रू भी समझ सकते हैं कि सपोज आर आई है, इस आर आई को मैं रिप्लेस कर देता हूँ आर आई प्लस के आर जे, यानी कि एक दूसरी रो है जेथ रो है उसके एलिमेंट्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करके उसको जो है फिर हम आईथ रो में ऐड कर देते हैं और जो आता है उसको नई आईथ रो बना देते हैं। तो ऐसी स्थिति में डिटरमिनेंट की वैल्यू अनअफेक्टेड रहेगी। सिमिलरली ये कॉलम में भी कर सकते हैं। तो इसको भी हम एक पहले तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है इसको समझ लेते हैं। कोई भी एक डिटरमिनेंट ले लेता हूँ और डिटरमिनेंट सपोज यही है ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री। अब ये जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि यदि मैं किसी पर्टिकुलर रो है, सपोज जैसे मान लीजिए यहाँ मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ और यहाँ जो प्रॉपर्टी अप्लाई करी वो मैं क्या करता हूँ कि एक ऑपरेशंस लगा रहा हूँ यहाँ पर, और ऑपरेशंस में यहाँ लिख देता हूँ कि आर वन है इसमें के टाइम्स ऑफ आर थ्री ऐड करता हूँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो थर्ड रो है, थर्ड रो के जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये थर्ड रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे पहले उनको हम के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे के ए थ्री के बी थ्री के सी थ्री, फिर उसको हम आर वन में ऐड करेंगे। यानी मैं इसको अलग से यहाँ कर लेता हूँ कि जो पहले देखें कि ये जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो ए थ्री है इसको हम मैं के से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा के ए थ्री, और फिर इसको जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है ए वन इसमें ऐड करेंगे तो बन जाएगा ए वन प्लस के ए थ्री, तो ये फिर न्यू रो बन जाएगी फर्स्ट रो की। तो ये फर्स्ट जो है स्थिति आ जाएगी के ए थ्री, और इसी तरह से ये जो बी वन है उसमें इसका के टाइम्स ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बी वन प्लस के टाइम्स ऑफ बी थ्री, और फिर सी वन है इसमें हम ऐड कर देंगे के टाइम्स ऑफ सी थ्री। तो इस तरह से हम ऐड कर देंगे और बाकी को चेंज बिल्कुल नहीं करते हैं, बाकी को चेंज बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि ऐसा करने से जो हमें नया डिटरमिनेंट मिल रहा है वो नया डिटरमिनेंट जो है उसकी वैल्यू वही रहेगी जो पुरानी है, यानी कि ये वैल्यू है उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, सेम डेल रहेगा। इफ एनी रो इज रिप्लेस्ड, सपोज दिस रो इज रिप्लेस्ड विद ए न्यू रो और दैट न्यू रो इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एनी अदर रो विद ए कॉन्स्टेंट देन एडिंग इट टू द ओरिजिनल जो इनिशियल रो है उसको उससे ऐड कर देते हैं। जैसे कि ए वन है उसमें हम इसका के टाइम्स ऐड कर रहे हैं, ए वन प्लस के ए थ्री कर दिया, बी वन प्लस के बी थ्री और सी वन प्लस के सी थ्री कर दिया, तो हमारे पास जो नया डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू वही होगी जो ये है।
और ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ, इस वाले सपोज ये डेल वन है, तो मैं देखूंगा कि ये डेल वन जो है डेल के इक्वल है। ये कैसे होगा कि इसके लिए हम जो अभी प्रॉपर्टी फाइव पड़ी थी, उस प्रॉपर्टी से मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, देखिए क्या आता है। तो इसमें क्या करें, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ कि इसमें एक तो इसको हम ए वन बी वन और सी वन इसको हम अलग ले लेते हैं, और ये जो दिख रहा है यहाँ पर के ए थ्री के बी थ्री और के सी थ्री इसको हम दूसरे अलग से ले लेते हैं। तो ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है प्रॉपर्टी नंबर फाइव से। तो हम लिखेंगे इसको ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, और ए थ्री बी थ्री सी थ्री। और सिमिलरली जो थर्ड सेकेंड वन है उसमें हम ये जो एलिमेंट है के ए थ्री और के बी थ्री, और इसको लिखेंगे के सी थ्री, और यहाँ लिखेंगे ए टू बी टू सी टू, और यहाँ हो जाएगा ए थ्री बी थ्री और सी थ्री। ये हो गए, ये हमारे पास है। अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो इस वाले सेकंड जो डिटर्मिनेंट है उसकी क्या स्थिति है। सेकंड डिटर्मिनेंट्स में से हम ये देख लेते हैं, सेकंड डिटर्मिनेंट्स में यहाँ देखिए, यहाँ के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है। इस के को मैं कॉमन ले सकता हूँ, और जैसे मैं के को यहाँ बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ ए थ्री बी थ्री सी थ्री बचेगा, यहाँ भी ए थ्री बी थ्री सी थ्री बचेगा, जो ये दोनों जो फर्स्ट रो और थर्ड रो जो है वो आइडेंटिकल हो जाएगी, और ये जो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू जीरो। और ये तो अपना ओरिजिनल डेल है ही, और इसमें से यदि मैं के कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर जो बचता है उसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ऐसे, ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री। अब इसकी जो वैल्यू है वो डेफिनेटली जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसमें फर्स्ट रो और जो थर्ड रो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई है। तो ये हो गया डेल प्लस के टाइम्स जीरो, तो ये डेल ही हो गया। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी नंबर सिक्स है वो यहाँ से वेरीफाई हो रही है। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स ये कहती है कि किसी भी रो को किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स में ऐड कर दें, या दूसरी रो के मल्टीपल को किसी रो में ऐड कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही की वही रहती है। अब इस प्रॉपर्टी को काम में लेकर भी हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो के है ये के कुछ भी हो सकता है, के की वैल्यू टू भी हो सकती है, इवन ये वन भी हो सकती है या माइनस वन भी हो सकती है। अगर के की वैल्यू वन होती है, इसका मतलब ये हुआ कि के की वैल्यू वन होने का मतलब है आर वन इज चेंज्ड विद आर वन प्लस आर थ्री। जैसे आर वन इज चेंज्ड विद आर वन प्लस आर थ्री, इसका मतलब है कि इस आर वन जो है उसमें उसको रिप्लेस कर दिया है ए वन प्लस ए थ्री, बी वन प्लस बी थ्री, सी वन प्लस सी थ्री। अगर मैं के की वैल्यू माइनस वन लेता हूँ तो ये हो जाएगा आर वन इज चेंज्ड विद आर वन माइनस टू माइनस आर थ्री, यानी ए वन माइनस ए थ्री, बी वन माइनस बी थ्री, सी वन माइनस सी थ्री। तो इस तरह से जो है के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस वन माइनस टू, इवन हाफ भी हो सकती है, थ्री फिफ्थ भी हो सकती है। इससे क्या होगा, ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर रो को हम चेंज कर सकते हैं। इसका फायदा ये रहता है, जैसा कि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था पहले, उसी क्वेश्चन को मैं फिर से ले लेता हूँ, और इसमें जो है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 102, और यहाँ था 18 और ये 36 था, और यहाँ थी यहाँ 134, और यहाँ था हमारे पास 173 और 6। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। अब अगर इस प्रॉपर्टी को हम काम में लेते हैं तो इसकी वैल्यू हम बहुत जल्दी और आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसको रिप्लेस कर देते हैं सिक्स टाइम्स ऑफ थर्ड रो से, यानी आर वन इज चेंज्ड विद आर वन माइनस सिक्स आर थ्री। तो जैसे ही मैं आर वन में से सिक्स हटाता हूँ, सपोज दिस इज डेल, और इस डेल की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूँ, तो देखिए क्या होता है, सीधे जो है आर वन हमारे पास था 102, और माइनस करना है सिक्स टाइम्स ऑफ आर थ्री, आर थ्री हमारे पास 17 है, तो ये बन गई नया एलिमेंट। इसी तरह से जो 18 है वो हो जाएगा सिक्स टाइम्स ऑफ ये एलिमेंट, इसी तरह से जो यहाँ 36 है ये हो जाएगा सिक्स टाइम्स ऑफ सिक्स, और ये जो अपने पास 134 अपनी जगह है, और इसी तरह से ये जो 173 और 6 भी अपनी जगह है। ये स्थिति है, ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो वैल्यू है ये 17 माइनस सिक्स 102 हो रही है, तो पूरा ही जीरो हो गया। इधर ये भी जीरो है, इधर ये भी जीरो है, क्योंकि 18 माइनस 18 जीरो, और यहाँ भी जीरो, ये 1 3 और ये 4 है, इसी तरह से 17 3 और 6 है, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये पूरा जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम प्रॉपर्टी को अप्लाई करके, इसलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी जितनी भी प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी है वो सारी इसमें इन्वॉल्व है।
इवन यदि मान लीजिए दो रो आइडेंटिकल है, हम कुछ प्रॉपर्टी भूल गए हैं, जैसे सपोज हमारे पास है कोई दो रो आइडेंटिकल है, जैसे ये हो गई ए बी सी, और सपोज यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ सपोज ई एफ जी है, और इसमें जो फर्स्ट रो सेकंड रो आइडेंटिकल है, लेकिन हम ये प्रॉपर्टी भूल गए हैं कि दो रो आइडेंटिकल होती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन हमें प्रॉपर्टी नंबर सिक्स याद है, तो हम यहाँ पर जैसे ही आर वन को चेंज करेंगे आर वन माइनस आर टू से, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसमें हम समझ सकते हैं कि जो डेल, क्योंकि वैल्यू वही रहनी है, तो यहाँ ये हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, क्योंकि ये ए माइनस ए, ये बी माइनस बी और सी माइनस सी, और यहाँ हो रहा है ए बी सी और ये हो गया ई एफ जी, तो चूंकि एक पर्टिकुलर रो पूरी जीरो हो रही है तो पूरा ही जीरो, तो हमें आइडेंटिकल दो रो आइडेंटिकल होने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, और यदि हम भूल भी गए तब भी हमारा काम हो रहा है और हम आसानी से जो है इस प्रॉपर्टी की मदद से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और जो कॉम्प्लिकेटेड डिटरमिनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने में इस प्रॉपर्टी को हम विशेष रूप से काम में लेते हैं। तो इसको काम में लेके हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिनमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, यूजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड दी वैल्यू ऑफ दी गिवन डिटरमिनेंट और प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, जो भी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने में जो है ये सभी प्रॉपर्टीज काम आती है। तो ये जो सिक्स सेवन प्रॉपर्टी सिक्स प्रॉपर्टीज थी, इन सिक्स प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना है यदि हम कॉम्प्लिकेटेड डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।